रामा, हाँ? मेरा एक काम करोगे? कहिए, करूंगा। पहले वादा करो, तुम जरूर करोगे। वादा? करो। अब बोलो क्या करना है। मेरे भाइयों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ बाहर गई थी। ओ मैया रे, ये क्या है? आप ही ने कहा था कि आपके भाइयों ने बाहर ले जाने के लिए कहा है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। रामा, तुम नहीं बोलोगे ना? तुमने मुझसे वादा किया है। रामा का वचन, रामा का वचन है, मैं नहीं बोलूंगा। मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगी। शुक्रिया। इतने सारे डॉक्टरों को क्यों बुला लिया आपने? आपकी बहन को शायद पानी में ज्यादा भीगने की वजह से सर्दी लग गई है। मैंने दवा दे दी है, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। नमस्ते। लेकिन नंदिनी तो आज घर से बाहर ही नहीं निकली। मैंने उसका नाश्ता, खाना सब कुछ उसके कमरे में ही भिजवा दिया था, फिर वो पानी में कैसे भीगी? तुम लोग घर पर करती क्या हो? हैं? राज नंदिनी कितनी नाजुक है ये तुम लोग अच्छी तरह जानती हो, और अगर वो अपने कमरे से पूरा दिन बाहर नहीं निकली तो जाकर देखना चाहिए था ना। अरे कम से कम मुझे टेलीफोन कर दिया होता फैक्ट्री में। लेकिन तुम्हें फुर्सत कहाँ है खाने पीने और सोने से? जाओ। ए, जी मालिक। रामा कहाँ है? आज काम पर नहीं आया मालिक। जाओ बुलाकर लाओ उसे। आया है क्या मौसम? ए जी मालिक, सुबह से कहां गायब था रे तू? हम दोनों नहीं, मैं सुबह से खेतों में जाकर घूमा, बाग बगीचों की सैर की, नहर में नहाया, बहुत मजा आया मालिक, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। राम साधे, यहां हमारी बहन बुखार से तड़प रही थी और तू वहां घूम रहा था। बस छोड़ दो इसे। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? जा अपना काम कर। आप रोइए नहीं छोटी मालकिन, अगर आपके भाई लोग आपके आंसू देखेंगे तो सोचेंगे मैंने ही आपको रुलाया है, और फिर मार मार के मेरा कचूमर निकाल देंगे। अच्छा, ये बताओ तुमने भैया से ये क्यों कहा कि तुम खेतों की सैर करने गए थे? कुछ और भी तो बोल सकते थे ना बाबा। ना, जान चली जाए मगर झूठ नहीं बोलना, माँ ने बचपन से ही सिखाया है। हाँ रामा, तुम मुझे बहुत पसंद आए। रामा, वो जो गोली उधर पड़ी है ना, इधर लाना। ये लाल वाली? ये लाल नहीं, ऑरेंज है। ओ। पानी भी लाना। हाँ, ये लीजिए। ये मैं नहीं, तुम ले लो। मैं? अगर तुम ले लोगे तो तुम्हारा बुखार चला जाएगा। आपको कैसे पता चला मुझे बुखार है? मुझे बुखार हो गया तो तुम्हें भी बुखार होना चाहिए। आज हम दोनों एक साथ भीगे थे ना, ले लो, ले लो ना। आज तक मुझे चोट लगती थी तो थूक लगा लेता था, बुखार चढ़ता था तो माँ काढ़ा बनाकर दे देती थी, बुखार उतर जाता था, मगर ये महंगी फिलाती दवा पहली बार आपकी मेहरबानी से मिली है। मेरी माँ के बाद मेरा ख्याल रखने वाली सिर्फ आप ही हैं। आप मुझे बहुत पसंद आई छोटी मालकिन, भगवान कसम आप बहुत अच्छी है। रामा ले लो। हाँ। पपी दे दे मुझे, ये ले एक पपी दे दे मुझे। पलट,
ऑमलेट, ये ऑमलेट तेरे लिए नहीं है। फिर किसके लिए है? ये ऑमलेट मेरी डार्लिंग बिजली के लिए है। फिर मेरे लिए है ना? तेरे लिए भी है। ये पकड़, ये टमाटो सॉस और ये मिर्ची। ये सॉस चाट ले और ये मिर्ची चूस ले। चाचा, चाचा कहाँ है? चाचा, चाचा, चाचा कहाँ है? चाचा तू सचमुच पागल हो गया है। क्या कर रहे? क्या कर रहे? क्या कर रहे? ये क्या कर रहे हो? तुम क्या छुपा रहे हो? दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। हाय राम, ये खून किसका है? जिस राज को मैं तुमसे छुपाना चाहता था, आखिर वो सामने आ गया। गुरुजी का खून है। क्या? उन्हें टीवी है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। नहीं मानती ना? नहीं। तो देख लो। बबलू, ये तो छूत की बीमारी है ना? टीबी, टीबी। बेचारा, क्या करें? तुझसे प्यार भी तो करता है। सिर्फ मंगलसूत्र ही डलवा लेना, पप्पे पीने देना, टीबी है टीबी। छी, ना बाबा ना, मैं तो उसको करीब भी ना आने दूँ। गुरुजी आ रहे हैं, डटे रहना। नहीं, मैं नहीं लूंगी। खा ले मेरी फूल 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 गोभी की। फूल वैसे ही कितनी दूरों से है? 5 साल 3.5 महीने। बाप रे, पहले कभी बताया नहीं। हर रोज तो बताता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता। प्यार के बारे में नहीं, फिर बीमारी के बारे में। बीमारी? कैसी बीमारी? टीबी। टीबी? 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 किसको? तुझे। मुझे? क्या दिमाग है तेरा? वाह वाह, इसी झटके से वो मजनू की औलाद खास खास के सचमुच मर जाएगा। फिर मैं गुरु और तू मेरा असिस्टेंट। मगर ओए, हाँ बोल। जो गद्दारी मैंने उसके साथ की है ना, तू मेरे साथ नहीं करना। अरे ओ रामा, जरा इधर तो आओ। बोल बिजली, क्या करना है? तू मेरे काम करेगा? जरूर करूंगा। ये देख, ये लेके जाओ और रघु से पूछ के आओ कि वो ये मेरे गले में कब बांधेगा। बिजली, एक बार करूं? क्या? पानी। इतना बता दे रघु, ये बता दे तू कब पहना रहा है? मेरी बात लीजिए मालकिन, जरा दही लाना। आप ही लाए मालकिन। बिजली बता देना, काम करने परेशान कर रहा है। क्या हो रहा उधर? नाच क्यों रहे हो तुम लोग? मेरा कोई कसूर नहीं है मालिक, यही मेरे पीछे लगा हुआ है। माँ कसम, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। क्यों रे रामा, क्या बात है? कुछ नहीं मालिक, वो हमारी बिजली है ना, उसने ये पूछने को भेजा है कि रघु उसके गले में ये कब डालेगा। ये जवाब ही नहीं देता, उल्टा भाग रहा है। ए रघु, बोल कब डालेगा? हो गया सत्यानाश, हो गया। ए, जी मालिक। इधर आओ। ए, तुम अंदर जाओ। रघु। जी मालिक। तुम जानते हो उस हवेली में एक जवान लड़की रहती है? जी मालिक। यहाँ ऐसा नाटक नहीं होना चाहिए। जी जी मालिक। और अगर दोबारा ऐसा हुआ? जी मालिक। तो मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। जी मालिक। समझे कि नहीं? ना समझने की क्या बात है, अगर हाथ कट जाए तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा? मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी तो मैं भीख मांगूंगा, लेकिन भीख भी कैसे मांग सकता हूँ? मेरे हाथ भी चले गए तो टांग से भीख मांगूंगा। ये
ये रघु की वजह से मुझे इतनी गालियां पड़ी, इतना डरपोक है, बात बात पर डरता है। ठीक है, तुझे ये धागा बंधवाना जरूरी तो मैं बांध देता हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या करता है? तुझे इसका पता नहीं है? क्या भक्ति है, धागे और रस्सी के बारे में मुझे पता नहीं है? अरे अपने गांव के सारे बछड़ों को कौन नकेल डालता है? रामा, अपने गांव के सारे बिगड़े बैलों को कौन नकेल डालता है? रामा, आज मैं तुझे भी डाल देता हूँ। अरे क्यों डरती है, ला मैं तेरे डाल देता हूँ। ये मेरे बाप, ये नकेल की रस्सी नहीं है, ये गले की रस्सी है। गले की रस्सी? मुझे नकेल की रस्सी का पता है, लेकिन गले की रस्सी क्या है? ए मेरे बाप, ये सब जानने की तुझे कोई जरूरत नहीं, अब तक जो हुआ वो काफी हो गया। मैं कल तेरे लिए मालपुआ और पुलाव बनाऊंगा, लेकिन अब तू जा। सच्ची? तेरे दादाजी की कसम, जा। भूलना मत, नहीं भूलना। पुलाव पुलाव पुलाव, जा जा जा। अब एक ट्यूबलाइट, ये मंगलसूत्र भेजने के लिए तुझे यही आनाड़ी मिला था क्या? इसकी कोई बड़ी या छोटी बहन होती तो उसे पता चलता मंगलसूत्र क्या है, शादी क्या है। बाप रे, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाती तो गजब हो जाता। नहीं, ये नहीं चलेगा, हम दोनों कल ही शादी करेंगे। ए, तुम अंदर नहीं जा सकते। छोटे राजा ने आने के लिए कहा था। जाओ, पूछ के आओ। ए, नमस्ते भाई राजा। क्यों रे, क्या बात है? कल मेरी मंगनी होने वाली है, छोटे राजा से थोड़ा रुपया मांगा था, उन्होंने कहा कि हवेली पे आके ले जाना। ठीक है, उसे अंदर आने दो। देख रहे, ऊपर देख। अबे ऊपर नजर मत उठा, वो भाई राजा की बहन है। क्या माल है गुरु। अब चुप रह, जोर से मत बोल। उस लड़की पर किसी मर्द की नजर ना पड़े इसीलिए ही सारा बंदोबस्त है, ऊपर मत देख। कसम से यार, 7 दिन 7 रात तक इस आंखें फाड़ के देखते रहो तो भी जी नहीं भरेगा। पता नहीं कौन साला इसे। एक तो भीख मांग रहा है, ऊपर से हमारी बहन के बारे में बात करता है। ए गंजे, जुबान पर लगाम ना देने का अंजाम देख लिया? और तेरे साथ खामखा मैं भी मारा गया। फैक्ट्री में आज नया यूनिट शुरू होने वाला है, पता है ना उद्घाटन के लिए कौन आ रहा है? भाई राजा की बहन राजनंदिनी। कल ही सबको चेतावनी दी गई है, अगर किसी ने भी नजर उठाई तो उसकी खैर नहीं है। हमारे साथ जो हुआ है ना, आज के बाद अब किसी के साथ नहीं होगा। क्या मतलब? जिन लोगों ने मेरा सिर मुड़वाया, मूछें मुड़वाई, जिनकी वजह से मेरी मंगनी टूट गई, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो क्या करोगे? सजा देने वाले उन बड़े भाइयों की प्यारी बहना है ना, उसे खत्म कर दूंगा। बस बस बस, फैक्ट्री की असली मालकिन जी, धीरे धीरे आइए 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 आइए, छोटी मालकिन जी आइए, पहले अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाइए, आइए। तूने जब से बोला है मेरा तो बदन ही कांप रहा है, डर के मारे पसीना छूट रहा है। आखिर तूने किया क्या मेरे भाई? मैंने मेन स्विच के दोनों कनेक्शन बदल डाले हैं, नंदनी स्विच ऑन करेगी, शॉर्ट सर्किट होगा, बिजली के धक्के से उनकी प्यारी बहन खत्म। राजनंदिनी, तेरे शुभ हाथों में ही हमारी बरकत है, अपने हाथों से मेन स्विच ऑन करके हमारा नया यूनिट शुरू कर दो।
एक मिनट मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। बचे जाने बगैर तुम लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया, पता है वहां क्या हो जाएगा? तेरी इतनी हिम्मत, नंदनी को छुड़ा तूने, बहन का हाथ लगा, ए, तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? तुम आ जाओ यहां से, छोड़ो, कोई दिखाई नहीं दे, भैया मत मारो। मेरी बात तो सुनो, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। बैठे राजा मेरी बात तो सुनिए, मुझे मत मारिए, बैठे राजा मुझे मत मारिए। इसकी बात तो सुनो भैया। भैया मत मारो भैया। भैया रामा ऐसा नहीं है, जरूर कोई वजह रही होगी, उससे पूछो। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे छूने की? इसे जीने का कोई हक नहीं। छोटे राजा मुझे मत मारिए, मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं छुआ। आखिर हुआ क्या रामा? आपके भाई लोगों ने यहाँ काम करने वाले नौकर का सिर मुंडवा दिया ना, तो उसने बदला लेने के लिए आपको मारना चाहा। उसने मेन स्विच की तारें बदल दी, आप हाथ लगाती तो मर जाती। अगर आपको लगता है कि मुझे आपको छूने से आपका स्विच को छूना अच्छा था तो जाकर छुओ और मरो, मुझे क्या? आह मां, यही बात बताने आया था और आप लोग मुझे ही मारने लगे। आज के बाद आप लोग मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना, ना मैं दिखाऊंगा। आपको सलाम, आपके काम को भी सलाम। रामा। हाँ नहीं मालिक, बहुत हो गया, रामा बहुत मार खाया। रामा मैं जाता हूं बड़ी भाभी। क्या मारा है? ओ मां, मां ने कितनी बार कहा हवेली की नौकरी मत कर मत कर, मैंने सुना नहीं सुना, अच्छी सजा मिली, माफ कर दे मैया, माफ कर दे। ओए सुनो
स्विच ऑन कर। हमसे गलती हो गई मालिक, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर कोई हमारी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तूने तो उसकी जान लेने की कोशिश की। मेन स्विच ऑन कर। नहीं मालिक नहीं। ऑन कर। नहीं मालिक नहीं। अगर ये जिंदा बचे तो इसे अस्पताल ले जाना, वरना इसकी लाश इसके घर भेज देना। छोटी मलकिना, चलो। बताइए बात क्या है? मुझे माफ कर दो रामा, मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख पहुंचा। आप दुखी क्यों होती छोटी मालकिन? मैं आपसे नाराज नहीं हूं। सच? तुम मुझसे नाराज नहीं हो? तो फिर तुम कल से काम पर आओगे? आऊंगा क्यों नहीं, लेकिन आपके भाई लोग हैं ना, बिना सोचे समझे जानवरों की तरह मारते हैं। पकड़ा, पकड़ा! चुपके चुपके छुपकर शादी करना चाहते हो ना? मुझे मालूम है। ए पागल, क्या बकता है? बड़ों से पूछोगे तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन तुमने छुपकर शादी कर ली तो सबका मानना पड़ेगा। ये ले, बांध दे इसके गले में और शादी कर ले। क्या, ये बांधने से शादी होती है? पागल कहीं का। अबे उल्लू, शादी का मतलब मालूम है तुझे? बैंड बाजा, शहनाई, खाना पीना, उसको शादी बोलते हैं। एक मारूंगा तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। हाँ चल भाग। ए पागल, ये ले जा। तुम्हें यही डर है ना कि तुम काम पर आओगे तो मेरे भाई तुम्हें मारेंगे? हाँ। अगर नहीं मारेंगे तो आओगे ना? हाँ। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम पर हाथ ना उठाए तो ये बांध दो मेरे गले में। तीन भाइयों के लिए तीन गांठे बांध दो, उनके हाथ भी बन जाएंगे। क्या, ये तुम्हारे गले में बांध दूं तो तुम्हारे भाई लोग मुझे नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे। अगर कोई तुम्हें मारेगा भी तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये हुई ना बात। चलो मैं बांध देता हूं। ये भाई राजा के लिए, ये मंजले राजा के लिए, और ये छोटे राजा के लिए। अच्छा मैं जाता हूं, नहीं तो मां को चिंता हो जाएगी। हाँ